अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आई हूँ बॉडी शॉप के इस परफ्यूम ऑयल का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, परफ्यूम ऑयल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा, एक तो परफ्यूम होते हैं वो इतने कंसनट्रेटेड नहीं होते, लेकिन ये जो परफ्यूम ऑयल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं। आपने इनको लेना है और बस इसको अपने यहाँ पे इनाफ। तो इनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। आप दोनों रिस को आपस में यूं रब कर दें तो ये पूरा दिन आपको इसकी खुशबू आती रहेगी। तो अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम की तलाश में हैं तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो ये ग्लास बॉटल है और ऊपर इसका ये प्लास्टिक का ढक्कन है, ठीक है। ओके, चलें अब इसकी मेन जो खुशबू की हम बात करते हैं, तो इसके जो नोट्स हैं वो मस्की और वुडी इस किस्म के हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक पाकिस्तानी वुमेन के प्रोस्पेक्टिव से बताऊँ तो इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की है। मीन्स कि हम लोग जिस तरह की फ्रेगरेंसेस को लाइक करते हैं ना, स्वीट सी हो, लाइट सी हो, गर्लिश सी, उस तरह की बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ओल्ड एज वुमेन हो ऑफिस गोइंग तो उसके लिए ये बेस्ट रहेगा। बाकी कॉलेज गर्ल्स और स्कूल गर्ल्स वगैरह के लिए जो है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स के लिए ये रिकमेंडेड नहीं है, ये बहुत ही हैवी है। तो आपको ना ये बहुत ही ज़्यादा लगेगा जैसे कोई आंटी गुजर के गई हैं। तो और है भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव, तो इससे बेटर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इस पर मेरे ख्याल में अगर तो आप ऑफिस गोइंग वुमेन हैं फिर ही आप इस पर पैसे लगाएं, अदरवाइज़ जो है आप और बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंसेस अवेलेबल हैं उनको, उनके बारे में सोच सकती हैं। तो ये इसका रिव्यू था। इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।